We have a segment in the show called Blast in the Past. Okay. तो उसमें कुछ हमको videos कुछ दिखाते हैं पास से आपका comment लेते हैं. Okay. आपका तो बहुत ही recent है और technically आपका नहीं है blast, किसी के और का blast है. But since आप भी इसमें हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ. ठीक है. It's from the Lux Style Awards. ठीक है. समझ तो गए होंगे क्या होने वाला है. तो ये हुआ recently Lux Style Awards. ठीक है. आहा दर्जा मी इज विनिंग द बेस्ट एक्टर अवार्ड. Wow, come on. Moment. Seriously. देखो इसके बाद बहुत से मेरे पास ब्लॉगर्स भी आए थे, बहुत से इंटरव्यूज हुए थे इस हवाले से. अच्छा हुआ क्या था, मेरे 3 नॉमिनेशन थे और मैं एक भी नहीं जीता था. आपको लगता है आप जीतेंगे? हाँ हाँ, मतलब मुझे लगता था कि मैं जीत सकता हूँ क्योंकि मुकाबिल नॉमिनेटेड था. मुकाबिल बहुत अच्छा प्ले गया था. मुकाबिल आहत बहुत अच्छे एक्टर हैं ऑब्वियसली. ऑडियंस पोल होता है, ज्यूरी पोल होता है, उनको जो बेहतर लगा उन्होंने वो किया. मुझे पर्सनली मेरी इंडस्ट्री में कभी किसी से कोई मसला नहीं है. मैं बहुत फोकस्ड आदमी में जा रहे हैं, मैं बड़ा फोकस्ड आदमी हूँ, मैं अपने काम से काम रखने वाला आदमी हूँ. तो जब ये जीते थे तो वो बेसिकली, अच्छा ये जो शॉट है, ये शॉट ये जो बू करने का है ये कहीं और का अच्छा, इसमें एक क्लेरिफिकेशन ये थी कि मैं मोहसिन को बू कर रही थी. मैं मोहसिन को तो कहीं नहीं कर रही थी, वो सामने देख ही कर रही थी. मोहसिन को ये शॉट यहाँ का था ही नहीं, मैं कहीं मैं बू तो कर रही थी. हाँ, ये कहीं बू कर रही थी. एग्जैक्टली, तो ये कहीं और का शॉट है लेकिन ये बड़ी अच्छी तरह से सही जगह पे उन्होंने करके लगाने के लिए ताकि कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो. हम लोग बहुत चिल लोग हैं. हम लोग अपने एग्जैक्टली लगते बहुत चिल हम लोग अपने काम से काम रख रहे होते हैं. वो सिर्फ उन्होंने मुझे बहुत जलील किया था उस रात. टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने मुझे कहा कि हम तो तेरी वजह से आए थे इतने तैयार होके कि तेरी 3 नॉमिनेशन है, कोई एक अवार्ड मिलेगा, हम तेरे लिए तालियां बजाएंगे, कुछ सीटियां मारेंगे. मुझे एक भी अवार्ड नहीं मिला. और मैंने भी फिर जब उनको होटल पे उतारा मैंने कहा निकल जाओ यहां से, कोई बात नहीं करेगा इस हवाले से आज के बाद. तो या इट वाज जस्ट मिसकंसेप्शन. एक और ब्लास्ट है, वो एक वीडियो नहीं, वो एक कमेंट आपका, वो जब आई थी लास्ट ईयर नाम बाद में फैट 2, तो आपने एक इंटरव्यू दिया था तो उसमें आपने अपनी ऑपोजिट शर्टलेस बॉडी का जिक्र किया था. तो आपने कहा था इन पाकिस्तान्स फिल्म रिवाइवल अ मेजर फिल्म रिलीज वेयर द सुपरस्टार हैड टू गो शर्टलेस बट ही वाज क्वाइट आउट ऑफ शेप सो दे हैड टू ब्लर द स्क्रीन आउट सो वी हैव अ बॉडी वी विल फ्लॉन्ट इट. तो किसकी बात आप कर रहे थे और कौन है? कि लोगों को लगा हमजा लिबासी की बात हो रही थी, वो आई थी जवानी. हाँ, वो एक खातून है, उन्होंने इस चीज को पता नहीं कहाँ जाके जोड़ दिया. एक इंटरव्यू हुआ था हमारा, मेरा और हानिया का, तो उसमें वो कुछ हम दोनों की थोड़ी बहुत शोहरत से खुश नहीं थी शायद. तो उनके ना सवाल बड़े कड़क थे. अच्छा? बड़े अजीब से थे. तो उन्होंने उसमें से ये एक बात निकाल दी. हारून ने इंटरव्यू किया था. कम ऑन मोमेंट, काजल तो पानी होता नहीं, सबको पता उन्होंने इंटरव्यू किया था ये. तो खैर उन्होंने लिख दिया कि जी शायद मैं हमजा को कह रहा हूँ. और मैं आपको सच बताऊं, वासिर चौधरी से खास माजरत के साथ, मैंने JPNA 1 JPNA 2 दोनों ही नहीं देखी अभी तक. I'm so sorry, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात. You should be. One भी देखी आपने? मैंने 1 भी नहीं देखी थी. तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस सीन की बात कर रही है. फिर मुझे वो प्रोमो में याद आया कि प्रोमो में हमजा पूल से निकलते हैं, तो शायद उसकी बात. आपने किसके बारे में बात की थी फिर? ओके, किसी के बारे में? एक चले मैं बता देता हूँ, हो सकता है कि इससे मोटिवेशन मिले उनको. हाँ. आज हम सिर्फ सच बोलेंगे. हाँ. ताकि ये शो बहुत तेरा रेटिंग ले और वायरल हो. तो मैं फिल्म के बारे में मुझे कंफर्म नहीं है कि कौन सी थी, वार थी या O2-1 थी. उसमें मैं बहुत पर्सनली फैन हूँ. मैं सबसे पहले ये बात करूँ, मैंने अभी मुज़ाकरात में गाना भी गाया था और मैं उसमें हमारे पास वो आई थी अतीका उडो साहिबा आई थी, तो मैंने उनको कहा भी था कि शान साहब इस गाने में जब पलट के यूं ही करते हैं तो चार चांद लग जाते हैं. मोमेंट में चला गया था, सो अमेजिंग. तो उसमें वो शायद वर्कआउट आजकल नहीं कर रहे, तो उनमें से किसी एक फिल्म में उनका जाते हुए एक शॉट था. अच्छा, वो शर्टलेस और वो ब्लर कर दिया गया था लेकिन फिर भी वो आउट ऑफ शेप नजर आ रहे थे. तो मैं उसके बारे में बात कर रहा था, हमजा के बारे में बात नहीं थी. तो आई होप कि वो वापस अपनी वर्कआउट रूटीन पे आए क्योंकि उनको देख देख के हमने वर्कआउट करना शुरू किया है. जब उनका जितना बाइसेप उतना मेरी शक्ल है. तो आई होप कि वो वापस वर्कआउट रूटीन पे. शान एंड आई शुड वर्क आउट टुगेदर नाउ. यस प्लीज डू, ताकि आपको भी खाली काली शर्टें पहनने से फुर्सत मिले. अच्छा
रिसेंटली आप यासिर हुसैन के शो पर आए थे हम टीवी पर, तो वहां पे आपने पता नहीं मजाक में बात की थी कि मुझे फिल्म के पैसे नहीं मिलते, मैंने सारे पैसे टीवी से कमाए हैं, तो वो सच था, वो मजाक था, क्या सीन था वो? या नहीं, वो ऐसा है कि नबील और फिजा जो हैं वो एक हम लोग बिल्कुल फैमिली की तरह हैं, हम लोग बहुत अरसे से साथ हैं, नबील और मैं 8-10 साल से साथ हैं, तो पैसों की हम ना डिस्कशन नहीं करते असल में आपस में, ठीक है, तो मैं कभी मांगता नहीं हूँ और वो खुद से कभी देते नहीं है। मतलब अगर नबील मुझे रात को भी कॉल करेगा ना यार मोहसिन एक्टर इन लॉ का गाना लिखना है यार, तो मैं उससे ये नहीं कहूंगा कि पैसे कब मिलेंगे, कितने पैसे देगा, मैं कहूंगा हाँ ठीक है ओके। हालांकि अगर कोई और मुझे कॉल करेगा तो मैं उससे ये पूछूंगा हाँ ठीक है गाना है, बजट क्या है, ये है वो। नबील का या फिजा का अगर मुझे फोन आएगा उसका मतलब है कि मैंने गाना बनाना है, उसके पैसों की बात ना कभी होगी, अगर वो दे देंगे तो ठीक है, मैं इस तरह का सीन है। ये सब इन फिल्म्स के लिए, ये ऑफर भी सिर्फ उन दोनों के लिए है। अच्छा, तेरी मेरी लव स्टोरी के लिए नहीं है? ये तेरी मेरी लव स्टोरी के लिए आपको ब्लैंक चेक मिलना चाहिए था कि जितने पैसे लेके आपने फिल्म कर ली वो। और साकिब भाई के साथ अभी बाजी कर रहे हैं, कर रहे हैं, उसका भी जाहिर है कि बजट था। अभी एक नए साहब के साथ मैं डायरेक्टर हैं, उनके साथ एक हमारी फिल्म की डिस्कशन चल रही थी, उन्होंने मुझे यही कहा कि मैंने देखें मैंने आपको वो इंटरव्यू सुना हुआ जिसमें आपको आपने कहा था आपको पैसे नहीं मिलते। मैंने कहा नहीं 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 वो ऑफर सिर्फ नबील और फिजा के लिए। अच्छा, पैसों की बात करें तो आज कल बहुत ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पर, सेलिब्रिटीज ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बीइंग अ ब्लॉगर माय सेल्फ कि आई फील दैट्स काइंड ऑफ चीप, क्योंकि आप इतने ज्यादा ब्रांड्स को हफ्ते में कोई 10 वीडियोस लगा रहे हैं, आप कभी इसको कभी उसको, तो ये क्या हो रहा है इंडस्ट्री में? आई लव दिस क्वेश्चन, आई सो वांट टू टॉक अबाउट दिस। देखिए, मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत से ब्रांड ऐसे आते हैं और मैं उनको इनकार करता हूँ, लीडिंग ब्रांड्स आते हैं आपके पास, सारे लीडिंग ब्रांड्स आपके पास आते हैं और वो आपको कहते हैं कि आपकी ये पोस्ट होगी, हम आपको ये तोहफा भेजेंगे, आप उसकी तस्वीर लगा देंगे। अच्छा, अब उसका मतलब तो यही है ना कि मैं आपके ब्रांड को एंडोर्स कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, जहां पर मैं आपसे उसके तिगने पैसे लेता हूं एक कमर्शियल के, बिल्कुल ठीक है, आपके 30 मिनट का एक कमर्शियल होगा, मैं उससे आपके तिगने पैसे लूंगा और आप उससे मुझे आधे से भी बहुत से कम में एक तस्वीर, उसी इंडोर्समेंट की बात करें, 30 सेकंड का आप एक वीडियो बना के डाल दें, तो मैं 30 सेकंड का वही कमर्शियल आपको बना के दे रहा हूं, आपकी बॉटल या आपका बर्गर या आपका पिज्जा की चीजें, आपका जूता, आपका पहन के, आपके कपड़े पहन के खड़ा हूं, तो मैं ब्रांड एंडोर्स कर रहा हूं लेकिन मैं आपसे पैसे कम ले रहा हूं। तो ब्रांड अगर इतना स्मार्ट हो गया है तो हम लोगों को क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आती। आप लोग और डम हो गए, आप लोग बहुत डम बिहेव कर रहे हैं आगे से कि आप लोग, तो मैं तो इनकार कर देता हूँ सीधा सीधा, मैं कहता हूँ कि जी आप देखिए मैं आपका ब्रांड एंडोर्स करूंगा तो मैं उतने ही पैसे लूंगा जितने कमर्शियल देता हूं। ब्रांड बहुत स्मार्ट खेल रहा है कि वो जहां एक बंदे को उसने लाखों रुपए दे के एक कमर्शियल बनाना था, अब आपको 20 पोस्ट मिलते हैं और वो 20 सेलिब्रिटीज आपके ब्रांड को एंडोर्स करते हैं और वो आपको हजारों रुपए के में, मतलब कौड़ियों के भाव आपको पोस्ट लगा देते हैं। बहुत एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब एक्टर्स है मेरी भी कि अगर आप लोग ये काम करेंगे कुछ पैसों में तो आपके जो नीचे हैं, जो मीडिया है, जो ब्लॉगर्स हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं देंगे कि जो आप लोग 40,000-50,000 एंडोर्समेंट तो हो जाती है वो। खैर, फिल्म की मैं बात करें तो बाजी फिल्म आपकी आ रही है, वो आई नो सुनने में आता है मीरा के ऊपर एक बायोपिक है या क्या है, क्या है फिल्म बेसिकली वो? यार अभी हम बहुत ज्यादा उसके बारे में रिवील नहीं करें, लेकिन इन शॉर्ट के वो मीरा जी की लाइफ के बारे में नहीं है, ठीक है, वो उन तमाम किरदारों के बारे में है जो आपको पोस्टर मैंने सुना था।